अरे बाप रे, ये काले काले बादल और ये बिजली कितनी तेज चमक रही है। लगता है अब बचना मुश्किल है। किसे आवाज दूं? और इस पिंजरे का दरवाजा भी तो ऐसा है कि तमाम कोशिशों के बाद खुलने का नाम ही नहीं लेता। भूख और प्यास के मारे मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। वो दूर एक गाय दिखाई दे रही है, शायद इधर ही आ रही है। लेकिन अगर मेरी आवाज सुन लेगी तो भाग खड़ी होगी, इसलिए अभी चुप रहना ही अच्छा है। जब करीब आ जाएगी तब ही बात करूंगा। हाँ, अब तो करीब आ गई, अब आवाज देता हूं। बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ रे, बचाओ! अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर कोई मुसीबत में है, आगे चलकर देखती हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे ये तो शेर की आवाज है, और वो भी इस पिंजड़े में। जरूर कोई बात है, जरा करीब चलकर पूछती हूँ। अरे बहन, मेरी सहायता करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। भूख प्यास के मारे तड़प रहा हूँ। जंगल के राजा शेर, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप और इस पिंजड़े में। यही तो समय का खेल है बहना, मैं जंगल का राजा नहीं, सर्कस का शेर हूँ। सर्कस इसी जंगल से होकर शहर की ओर जा रहा था कि मेरा पिंजड़ा गिर पड़ा। किसी ने गौर ही नहीं किया और सब आगे चले गए। अब देर मत करो बहन, जल्दी से इस पिंजड़े से मुझे निकालो। शेर भैया, आपका कहना सही है, पर मैं आप लोगों की बिरादरी को अच्छी तरह जानती हूँ। पिंजड़े का दरवाजा खुला नहीं कि आप मुझे ही खा जाएंगे। मेरी बात पे विश्वास करो बहन, जानवरों को खाकर तो जंगली शेर भूख मिटाते हैं, लेकिन मैं तो सर्कस का शेर हूँ ना, मुझे तो घास पात खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। और ऊपर से जंगल भी कटते जा रहे हैं, इसी से पानी भी नहीं बरसता, हम लोगों को प्यासा रहना पड़ता है। अब हम मनुष्य के इन अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे। और हाँ, जरा सोचो, अगर हमें मांस खाने की आदत होती तो लोग सर्कस में हमें क्यों देखने आते भला? हाँ, तुम्हारी बात कुछ समझ में आ रही है, और फिर किसी की मुसीबत में सहायता करना तो प्रत्येक का कर्तव्य है। घबराओ नहीं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला है, अब मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर भैया, आप ही क्या? अरे चुप, अब तो तैयार हो जा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शेर भैया, मैंने आपकी मुसीबत में आपका साथ दिया है, और आप मुझे। अब बकवास बंद करो, मेरा समय नष्ट मत करो। ठीक है, आप जरूर मुझे खाकर भूख मिटा लीजिए, पर और जानवरों से तो पूछ लीजिए, क्या ऐसा करना उचित है? ठीक है ठीक है, मैंने सर्कस में सुना है कि मरने वालों की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। चलो पूछ लेते हैं। वो देखो, एक गधा इधर ही चला आ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं। गधा जी, मैं मुसीबत में हूँ, जरा फैसला कर दीजिए। क्यों मजाक करती हो बहन, मैं तो इन मनुष्यों से बहुत परेशान हूँ। ये मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी होता है, ये लोग जंगल काटते जा रहे हैं, जिससे ना तो जंगलों में छाया है ना ही पानी बरसता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अगर मेरे पास इतनी अकल होती
तो लोग मुझे गधा क्यों कहते हैं? अच्छा होगा बंदर मामा से पूछो। अरे बंदर मामा, कहो क्या बात है? भैया जरा आप फैसला कर दीजिए। हाँ हाँ बोलो क्या बात है, मुझे तो फैसला करने में बड़ा मजा आता है। भैया ये जंगल के राजा इस पिंजड़े में बंद भूख प्यास के मारे तड़प रहे थे, इनके कहने पर मैंने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया, अब ये मुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है गाय बहन, शेर और वो भी पिंजरे में। यही तो रोना है बंदर मामा, ये आदमी हमें ही क्या सभी पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं। गाय बहन तुम तो इन आदमियों के बीच ही में रहती हो, तुम तो ज्यादा जानती होगी। हाँ भैया मेरे ऊपर भी तो बड़ा जुल्म होता है। बिल्कुल सही, पशु पक्षियों को कैद करना इन आदमियों की शान है, भोले भाले जानवरों का शिकार करना इनका शौक है, और तो और जंगलों को काट काट कर हमें घर से बेघर भी कर दिया है। उसी का तो नतीजा भुगत रहे हैं ये आदमी। और अगर नहीं सुधरे तो और भी भोगेंगे, पेड़ कटते जा रहे हैं। सुना? अरे कुछ सुना? अब अकल आई है? पेड़ लगाओ चिल्ला रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जानती हो शेर जंगल का राजा है, भला पिंजरे में क्यों बंद होगा? और ये शेर इतना मोटा है और भोंदू है, अगर चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकता। डाल डाल पे उछल कूद करने वाले बंदर, तुझे मेरी शक्ति का क्या अंदाजा? देख मैं पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। ये लो मैं आ गया पिंजरे में। और मैंने तुम्हारा दरवाजा बंद कर दिया। ये तूने क्या किया दुष्ट? तुम्हारे विश्वासघात करने की यही सजा है, अब पड़े रहो इसी पिंजरे में, अब तुम्हें कोई नहीं निकालने वाला। देख लूंगा एक एक को देख लूंगा। कहो गाय कैसा रहा मेरा फैसला? तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि शेर गधा और बंदर ने वनों के बारे में क्या कहा, और बंदर ने गाय को किस तरीके से न्याय दिलाया। इसलिए बच्चों कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।